सुबह सुबह का वक्त है, शानदार मौसम है, हिल स्टेशन का खूबसूरत नजारा है। जब हिल स्टेशन पर सुबह के वक्त ऐसा शानदार मौसम होता है तो आप अंदाजा लगाइए जन्नत का मौसम कैसा खूबसूरत और शानदार होगा। नीचे गर्मी है, थोड़ा सा ऊपर आ जाए हिल स्टेशन पर तो ठंडक है। इससे पता चला कि जितना ऊपर आते हैं ठंडक बढ़ती है, तो आप अंदाजा लगाएं कि जन्नत में कैसा खुशनुमा मंजर और कैसा खुशनुमा माहौल होगा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब मैं और आप जन्नत में जाएंगे तो जरूर देखेंगे इंशाअल्लाह। बस एक गुजारिश ये है, ये मैं अपने आप से भी कह रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं, हमें चाहिए कि हम इबरत हासिल करें। रोजाना लोगों का इस दुनिया से जाते रहना ये जिंदा रहने वालों के लिए बहुत ही बड़ी नसीहत है। इसलिए फरमाया ऊंचे ऊंचे महल न देखो, ये शोरूम ये बंगले ये कारें ये बहारें न देखो, बल्कि उठते हुए जनाजे देखो, शिकस्ता कब्रे देखो, कब्रस्तान का चक्कर लगाओ, देखो कैसे कैसे लोग यहाँ सोए हुए हैं। अल्लाह पाक ने मौका दिया है, इल्म हासिल करो, अमल करते रहो। इल्म किताबों से और उस्ताद से हासिल होता है, इल्म किताबों से और उस्ताद से हासिल होता है, और अमल मुखलिसीन की, अल्लाह वालों की, अहलुल्लाह की, मशाइख सूफिया की सोहबत से नसीब होता है, उस पर रंग चढ़ता है। इसलिए किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहो, अल्लाह वालों की सोहबत के बगैर अपनी जिंदगी न गुजारो। और इस इल्म को आगे पहुंचाना है इसलिए आसान शक्ल यह है, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते रहो। आप हजरात से खुसूसी तौर पर दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।